आज तो कभी ऐसा हुआ है कि तेरी परीक्षा हो और मैं तुझे छोड़ने ना आऊं? लेकिन इसको तो मेहंदी के लिए जाना है ना? हैं? मंदिर जाना है ना इसको? मंदिर जाना है मुझे। I'm telling you, पुष्पा, मैंने अपनी आंखों से इसको इंग्लिश किताब पढ़ते हुए देखा था। अम्मा गड़बड़ हो जाएगी अगर हीरावती जी यहाँ से गई नहीं। देखो 1:45 बज गए। अखिलेश जी मुझे मंदिर छोड़ दो, मैं उधर बैठ जाऊंगी, फिर शाम को संगीत के लिए ट्रेन से आ जाऊंगी। और मोरी गंगा मैया, ये गुल्लू तो चढ़ावे की थाली ले जाना भूल ही गया, लगता हमों को लेके जानी पड़ेगी। जौन लड़की घर गृहस्थी नहीं संभाल सकती ना, ऊ के लड़के होने पे धुतकार है धुतकार। अरे तुम्हारी जैसी औरत से तो बात करना ही बेकार है। ए बजरंग बली, वहाँ अम्मा है और यहाँ हीरा जी जीन्स पैंट पहन के घूम रही है। अरे भाई हम का करना चाहिए तुम का नहीं। मोरी मोरी गंगा मैया, ये देखो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई वाली शहरी लड़किया कॉलेज के नाम पे खुलेआम कैसे गुल खिला रही है। संभाल के रखना अपनी बिटिया को भाई साहब, वो भी तो पढ़ी लिखी है ना, कहीं कौनो दिन ऐसा कांड न कर जाए। खबरदार जो मेरी छोकरी के बारे में ऐसे उत्सव बोले तो का कर लोगे, का कर लोगे? हाँ मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे जाओ पुलिस की धमकी किसी और को देना, हम नहीं डरते पुलिस से। जाओ एक मिनट, आपको कैसे पता कि ये जो भी हो रहा है इसमें सिर्फ लड़की का दोष है? लड़का भी तो लफंगा हो सकता है ने? अपने बेटे को संभाल के रखना, कोई ऐसा ना हो कि शादी के 2 दिन पहले आपका छोकरा भी। खबरदार हमने बिटवा के बारे में ऐसा कछु कहा तो भाज के एक ठो हुरा देंगे, फलाट हो जाओगे फलाट। पिताजी को फोन लगाओ, यहाँ से जाने के लिए कुछ बहाना बनाओ, फोन लगाओ बगाबक, जल्दी लगाओ। एक मिनट, अरे का है तू डीकू, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। पापा आप कहाँ हो, मैं भी आपका वेट कर रही हूँ। मैं ये मंदिर के पीछे वाले एंट्रेंस पर खड़ी हूँ। मैं मंदिर के सामने वाले गेट पे तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा तू वहीं रुक, मैं अभी आया है। अरे बहन, ये जो पढ़ी लिखी लड़कियों के बारे में आप सोच रखती हो ने, बहुत गलत बात है। जाओ अपनी बिटिया को संभालो वरना एक दिन तुमका डूब मरेगी। पता नहीं गुल्लू कहाँ रह गया। अरे देखिए हमका माफ कीजिएगा, ये आपके पिताजी और अम्मा देख ना लेना, इसलिए हमका ये सब करना पड़ा। अखिलेश I'm so sorry, मैंने फिर से अनजाने में तुम्हें। कोई बात नहीं, आपका आदत सी हो गई है। आप एक काम कीजिए, आपके पिताजी इंतजार कर रहे होंगे, जाइए आप और मन लगा के इम्तिहान दीजिएगा, ठीक है? ऑल द बेस्ट, जाइए। उतर, तेरा एग्जामिनेशन का हॉल आ गया। आज वो गांव वाली बेन ने तो मगज का धोई कर दिया। अरे एक मिनट, ये देख मैं लाया हूं कुछ तेरे लिए, दही और शक्कर अच्छे शगुन के लिए। पापा आप ये सब साथ में लेकर घूम रहे थे? थैंक यू पापा। हेलो वल्लभ भाई, मैं हसमुख शाह बोल रहा हूँ सूरत से। आज शाम को सूरत आ सकते हैं क्या? सूरत? अरे भाई 1-1.5 लाख का ऑर्डर है। 1-1.5 लाख? अरे आपको कम लग रहा है तो चलो मैं 2 लाख कर देता हूँ। कुछ नहीं बोल रहे,
वल्लभ भाई, आपकी खामोशी को मैं हाँ समझ रहा हूँ और 2 लाख का ऑर्डर पक्का। टिकट आपके घर भिजवा रहा हूँ। जय श्री कृष्णा। ये 2 लाख रुपए का ऑर्डर भी हीरा की परीक्षा के बाद नहीं आ सकता था। पापा, सुधायो? सूरत से एक सेठ का फोन था, 2 लाख रुपए का ऑर्डर दे रहा था। बोल रहा था कि आज ही सूरत आना है, लेकिन मैंने साफ साफ मना कर दिया। अरे 2 लाख रुपए तेरे परीक्षा से बड़े थोड़ी है। पापा, अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अब मेरी चिंता मत करो और सोचो ये EMI के पैसे चुकाने में कितने काम आएंगे। आप मेरी फिक्र मत करो पापा, आप जाओ सूरत। EMI? ठीक है, तू बोलती है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन तू मुझे प्रॉमिस कर कि अगले 2 दिन तक सिर्फ पढ़ाई हो, और वो वसूली वाला लड़का जो तुझे हैरान करे ने तो सीधा पुलिस के हवाले कर देना। हाँ हाँ पापा, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। सॉरी पापा, आपके भरोसे के साथ छोटी सी चीटिंग कर रही हूँ मैं, लेकिन किसी भी हाल में आपके सपने से बड़ा मेरे लिए और कुछ नहीं है। मॉम, ऐसी आवाज के साथ तो मैं आपको रोशनी के डैड से भी नहीं मिला सकता। सब ठीक हो जाएगा पंपकिन, आई प्रॉमिस। ओह सिट बेबी, जाओ मेरे लिए नीचे से मेरी मेडिसिंस ले आओ। या मॉम, अबू यू हर्ड दैट, आई एम बिजी हैविंग कोकोनट वाटर। आदि गो। तुम देख नहीं रहे मैं कितना डिप्रेस्ड हूँ? मॉम, आप खुद जाके ले लीजिए ना प्लीज। लाइक सीरियसली, तुम लोग ट्रूली बीपी की औलाद हो, माय गॉड। आहा बात है, बहुत बढ़िया। ओह गॉड, पहले मेरी नाक में इतना दर्द है, ऊपर से ये गांव वालों को शोर शराबा। ओह माय गॉड, भैया आप भी थोड़ा डांस कर लो, थोड़ा घुमक लो। बाबू रानी के साथ आपको भी डांस करना पड़ेगा ना। अरे नहीं नहीं लखन चाचा, हमका कोनो नाच गाना नहीं करना। हम वो भटियारे का इंतजाम करते हैं। अम्मा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ना। अरे भटियारे का इंतजाम, अरे हो जाएगा। अखिलेश सुन तो, ये पुष्पा भाभी मुझे ना ये अखिलेश की एक बात ये समझ में ही नहीं आती, हमेशा मुंह लटकाए घूमता रहता है बस। लखन भैया, हम जानते हैं गुल्लू के दिल में क्या चल रहा है। गुल्लू को अपने बापों की बहुत याद आ रही है। ऐसे खुशी के मौके पे अगर गुल्लू के बापू या होते तो कितना अच्छा होता। आपको पता है उनकी खातिर व्रत रख रख के हम थक गए हैं, बहुत याद आते हैं हमको। पुष्पा भाभी, अब घर में अच्छा प्रसंग हो तो सबकी याद तो आती है ना। पर मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है जिससे बिरजू भैया जरूर वापिस आएंगे। हम एक काम करते हैं, हम प्रेस मीडिया वालों को बुलाते हैं। वो कौन है? अरे प्रेस मीडिया मतलब वो जो वो टीवी पर न्यूज चैनल पढ़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, पत्रकार। पत्रकार को बुलाते हैं। वो क्या करेंगे? जब टीवी के हर न्यूज चैनल पर अखिलेश का संगीत का प्रोग्राम दिखाया जाएगा, उसे देखकर बिरजू भैया जरूर वापिस आएंगे, वो भी भागे भागे। बस ये देखना बाकी था, अब डिवीना मेंशन में इन ध्यातियों की वेडिंग में प्रेस कवरेज मिलेगी इनको। मॉम एक प्लान करते हैं, हम सब हॉलीडेज के लिए चलते हैं। Like seriously pumpkin, I'm sorry, लेकिन ये वेडिंग हम जरूर अटेंड करेंगे। Are you kidding me mom? I mean ये देहाती वेडिंग आपको अटेंड करने में seriously इंटरेस्ट है? सिर्फ अटेंड नहीं बो, हम इस शादी में ग्लू और पुष्पा के साथ नाचेंगे गाएंगे, अब ऐश करेंगे और क्या, राइट? सुनने बुरे दिन ही है हमारे कि मीडिया अटेंशन के लिए इन गांव वालों के साथ सेलिब्रेट करना पड़ेगा। ओ कम ऑन सेड, यही तो प्लान है। जब पीपी ये कवरेज देखेगा तो उसे लगेगा कि पुष्पा और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है, हम आर पीस, तो फिर उसे हमसे दूर रहने की कोई वजह नहीं मिलेगी। यू गेट दैट? और हो सकता है कि डैड वापस आ जाए। एग्जैक्टली।
और जब बीपी वापस आ जाएगा तो मैं उसका गला पकड़ के ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करवा दूंगी और तब हम इन गांव वालों को हमेशा के लिए कहेंगे टाटा बाय बाय नेवर एवर सी यू अगेन. What do you think of my plan? Such a genius, mother. Only something I don't know. Come on, guys. In gaon wale ke saath party karne ke liye taiyar ho jao. Let's go. Oh my God, let's go. Hey, Ira ji, kahan nahi aayi? Hey, tu tumhari behan kahan hai? Ab tak pahunchi nahi. Nahi. Arey, dekho samay kya hua hai. Hum, uska phone laga ke dekhte hain. अखिलेश, अरे कहाँ हो आप? हाँ मैं निकल ही गई थी कि ये स्कूटी का टायर पंचर हो गया. जैसे ही वो हो जाएगा मैं निकल जाऊंगी. रीका कहते गरीबी में आटा गीला होना. अरे यहाँ हमारी हवा निकल रही, अम्मा नजरे बिछाए बैठी है, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते. फटाफट कैसे भी करके यहाँ जाओ. ठीक है? हाँ हाँ मैं आ रही हूँ. आओ. तुम्हारी बहन का खर्च करवाएगी क्योंकि राम पीरे का टायर पंचर हो गया आ रही है. हाईला, अब इंतजार करना पड़ेगा और का. अरे भाविक, तुम आ गए बेटवा. जी. अच्छा हुआ. दुल्हन कहाँ है? नजर नहीं आ रही है. गलोटे. क्या हुआ? अम्मा इरावती जी आ गई है, वो तो ऊपर कमरे में तैयार हो रही है. दुल्हन ऊपर है? देखो ते काम में हमका दिखाई नहीं दी. बहुत अच्छा है. ए भाविक, जब तक दुल्हन सच सिंगार करके नीचे नहीं आती ना, तब तक तुम हमका तुम्हारे बापो और बाकी के रिश्तेदारों से तो मिलाई दो. क्या हुआ? हवे सू थई मोटी बा. हाँ? वो पिताजी को टिकट ही नहीं मिला बोलो. हाँ? अब इतना सु मुहूर्त हाथ थी निकल ना जाए, आ करी ने पिताजी अहमदाबाद से आशीर्वाद भेजा है. अहमदाबाद से आशीर्वाद भेजा? ऐसा कैसे भेजा आशीर्वाद? इकलौती बेटे की शादी में आएंगे ना ही समझी जी. बड़े दुख की बात है ना, हम बोले कि आपको आना चाहिए, अगर आप चाहते तो हम इस शादी की तारीख आगे टाल दे. बोले हम कि शुभ मुहूर्त आगे कैसे टाल सकते हैं, है ना? और वो कहे क्योंकि गुजरात की जो सौराष्ट्र एक्सप्रेस है ना, उनका कोई भरोसा नहीं है. लेकिन हम एक बात कहेगा आपको, हीरा जी के पिताजी बहुत अच्छे हैं. वो हमका अहमदाबाद से आशीर्वाद दिए कि सदा सुखी रहो. अच्छा है, सब शुभ मुहूर्त पे हो तो सब अच्छा लगता है. अब बापू इतने संस्कारी है, तभी तो तुम्हारी बहन उनकी बेटी सर्वगुण संपन्न है. हाँ वो तो है. मामा वो प्रोग्राम की तैयारी कीजिए, इरावती जी कभी भी आ रही होगी. लखन भैया. हाँ? तनिक तो आओ. आप चलिए, आप चलिए. सब काम में देर कैसे, प्रोग्राम शुरू तो करो. अभी शुरू कर देते. तो देवी और सज्जनों, जैसा कि आप सबको पता है कि आज यहाँ पर क्या. ओह, आप. थैंक यू लखन. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की शाम मेरे डार्लिंग हनी बंस ग्लू बेटे यानी कि आप अखिलेश पांडे और उसकी गॉर्जियस टू बी ब्राइड इरावती के नाम. Ladies and gentlemen, and the members of the media, आज मेरी बड़ी बहन पुष्पा और मैं पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि मेरे ब्लू बेटे यानी अखिलेश पांडे के संगीत के आगे चांद की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी, you know? और आज की शाम का पहला परफॉर्मेंस देने आ रही है द ब्यूटीफुल गॉर्जियस स्टनिंग ग्लू बेटे की छोटी बहन भूमि पांडे. गिव इट अ हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर भूमि. तानाली. भूमि. वूहू. ए रुक 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 रुक, भूमि ये सब का है? शर्म नहीं आती? ऐसे कपड़े पहन के आई हो या? आज तुम्हारे बड़े भाई की शादी का संगीत है और ऐसे कपड़े पहन के तुम नाचोगी? अम्मा चुप रहो जरा. दूल्हा दुल्हन का मिलाप जो होता है वो भगवान के आशीर्वाद से होता है.
इसीलिए शास्त्रों में शादी जो है वो पावन अवसर कहलाती है। और ऐसे अवसर पर तुम ऐसे कपड़े पहन के नाचोगी, शर्म नहीं आती तुमका? अगर इतनी गरीबी छाई है तो हमसे कपड़े मांग लेते, हम अपनी साड़ी ना पहनाते तुमका। अम्मा क्या कह रही हो, काहे बात का बतंगड़ बना रही हो? वो बहन जो ये बंबई में पढ़ी लिखी है, इस प्रकार का पोशाक पहना वो की आदत है। गुल्लू अवसर देख के तो कपड़े पहन के आती ना। गुल्लू बेटे, पुष्पा बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे मौके पर बू को ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे। Go and change, boo. But mom. Go. हीरा जी अब तक आई काहे नहीं? अब सोगलू बेटे, अब तो स्टेज पर जाने की बारी तुम्हारी है। इरावती कहाँ है? Where is she? माम वो कहा है कि इरावती जी अब तक तैयार हो रही है, उसका समय लगेगा, तो हम स्टेज पर अम्मा है ना, अम्मा नाचेंगी ना? अम्मा हम नाचेंगी स्टेज पे? हाँ हाँ। नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। अरे काहे नहीं होगा, शर्म आती है। अरे नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे हम देखे तुमको नाचते हुए। अम्मा हमरे खातिर? हाँ हमरे नहीं कर सकते हम। अम्मा हमरे खातिर। अम्मा चलो तजोर दे रहे हो तो हम थोड़ा डांस कर लेते हैं। कहाँ है गुल्लू? बस अकेले अकेले डांस करोगी, अपनी छोटी बहन को साथ में नहीं लेके जाओगी? क्या हुआ है तुमका, दवाई के साथ भांग पी ली हो? जैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो। शट अप एंड डांस। हैं? चुप करके डांस करो। जब बीपी हम दोनों को टीवी पर साथ में डांस करता देखेगा तो उसे लगेगा कि हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया है, और फिर शायद शायद वो वापस आ जाए। Get it? Got it? मोरी मोरी गंगा मैया, नाक का टूट गई समझदार हो गई हो, दांत टूट जाते तो पंडिताइन न बन जाती। चलो संगीत से तुम्हें लापता है, कहाँ जवाब देंगे सबको? जियो।
वाह पुष्पा बहन, का नाची आप। लगता है फंक्शन शुरू हो गया। अब मैं अंदर कैसे जाऊंगी? अगर अखिलेश की मॉम ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। क्या करूं? मम्मी प्लीज, उदास उदास नहीं रहता। अब ये लोगों को आपका फीसन थोड़ी समझ में आएगा। ये लोग तो नादान है ना। इनको सो खबर कि आप तो कुछ भी पहनोगी सुंदर ही लगोगी। मेरी आंखों से देखेंगे नहीं तो भी नहीं समझ में आएगा कि आप तो अप्सरा हो, एंजल। भाविक, ये भाविक भी ना ऊपर कैसे पहुंचूंगी? विनर